आज यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट विंग की रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक चाइना के मुसलमानों को मजहबी आजादी नहीं है, उनसे फोर्स लेबर करवाई जाती है, वो खुशहाली से अपनी जिंदगी वहां पर नहीं गुजार रहे। तो पाकिस्तान की मीडिया या पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस हवाले से क्यों नहीं कभी बात करती, हमेशा बात करती है तो इंडिया के बारे में बात करती है कि इंडिया के मुसलमान अच्छे तरीके से लाइफ नहीं गुजार। चाइना अगर देखा जाए, चाइना से हमारे दोस्ताना रिलेशन बहुत ज्यादा है और बहुत अच्छे उनके साथ हमारी अकोमोडेशन है, और अगर हम उनके खिलाफ बात करेंगे तो हमारी जो इकोनॉमी इस वक्त लेवल पे है वो नहीं रहेगी। चाइना के अंदर बहुत ज्यादा मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है जिसके ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं है, बाजू को एहसास नहीं होता, आपके पूरे जिस्म को तकलीफ होती है, पूरे जिस्म को एहसास होता है, तो इसलिए आज ये मुनाफ़कत ही है कि हमारे चाइना के मुसलमान इस वक्त पिसपा हैं, उनके ऊपर जुल्म और सितम हो रहा है जबकि हम बात नहीं। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर मुसलमानों पर जुल्म होता है, मतलब पाकिस्तान के हर एक आदमी को यह लगता है कि मुसलमानों पर हर जगह जुल्म हो रहे हैं, लेकिन जब जुल्म चाइना करता है तो पाकिस्तान कुछ नहीं बोलता, क्योंकि चाइना तो उनका बाप भाई, चाइना के साथ उनकी दोस्ती है, और चाइना अगर कुछ करेगा तो नहीं वो कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन इंडिया में भाई एक मुसलमान को अगर किसी ने टच भी कर दिया, अरे जुल्म हो गया भैया, क्या है ये दोस्तों? पाकिस्तान के लोगों से पूछवाने वाला हूँ भाई, पाकिस्तान के लोगों से, कि चाइना में मुसलमानों पर जुल्म होता है तो पाकिस्तान कुछ क्यों नहीं बोलता है? तो उनके अजीबोगरीब सवाल और कैसे सवाल को भटका रहे रास्ते से, जान ले रहे देख ले रहे इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट विंग की रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक चाइना के मुसलमानों को मजहबी आज़ादी नहीं है, उनसे फोर्स लेबर करवाई जाती है, वो खुशहाली से अपनी ज़िंदगी वहाँ पर नहीं गुजार रहे। तो पाकिस्तान की मीडिया या पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस हवाले से क्यों नहीं कभी बात करती, हमेशा बात करती है तो इंडिया के बारे में बात करती है कि इंडिया के मुसलमान अच्छे तरीके से लाइफ नहीं गुजार। चाइना अगर देखा जाए, चाइना से हमारे दोस्ताना रिलेशन बहुत ज़्यादा है और बहुत अच्छे उनके साथ हमारी अकोमोडेशन है, और अगर हम उनके खिलाफ बात करेंगे तो हमारी जो इकोनॉमी इस वक्त लेवल पे है वो नहीं रहेगी। तो ये बात तो आप ठीक कह रहे हैं कि हमें उनके खिलाफ बात करेंगे, मसले होंगे तो फिर ऐसे ये बात आपको क्या लगता है कि हम, यानी कि जो हमें पैसे देगा तो उसके खिलाफ हम बात नहीं करेंगे, चाहे वो हम मुसलमानों के साथ कुछ भी करे, चाहे वो ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखे ना रखे? नहीं, मुसलमान एक यूनिटी में है तो उनके खिलाफ जहाँ पे भी हो बात करनी चाहिए, तो लेकिन इनके साथ थोड़ा सा इस तरह है कि हमारे दोस्ताना ताल्लुकात ज़्यादा है, तो जो इंडिया है उनके साथ बिल्कुल इंडिया के बारे में इंडिया बिल्कुल हमारे एंटी है, वो हमारे पॉलिटिकल भी एंटी है, हमारे हर लिहाज से हमारे एंटी है, हमारे अगेंस्ट है, इस वजह से हम हर प्लेटफॉर्म पर वहाँ पर मुस्लिम जो मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है उनके ऊपर आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि उधर ज़्यादा हो रहा है और उधर इंडिया में ज़्यादा जी और सरेआम हो रहा है। ये यही तो एक फ़र्क है कि जो मीडिया पर ज़्यादा दिखाया जाएगा वो ऐसा ही लगेगा कि पाकिस्तान की आवाम को, या जहाँ पर भी देखा जाएगा कि शायद यहाँ पर ही हो रहा है, जब चाइना के बारे में दिखाया नहीं जाता तो आपको कैसे पता? वहाँ पर प्रॉपर नस्ल कशी की जा रही है, उनकी नस्ल ख़त्म की जा रही है, उन्हें एक मखसूस इलाके के अंदर रखा हुआ है। क्या आपको लगता है कि इंडिया में मुसलमानों की नस्ल ख़त्म की जा रही है? इंडिया में मुसलमानों की नस्ल ख़त्म नहीं की जा रही, लेकिन चाइना में की जा रही है, इसका मतलब ये चाइना में ज़्यादा जुल्म हो रहा है। अगर देखा जाए, वैसे मुझे चाइना के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि चाइना से हमारे जो ऊपरली अपर रिलेशन है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है जी, हमारी मीडिया उस तरीके से दिखाती भी नहीं। जी अगर अब आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जाएंगे गूगल पर सर्च करेंगे कि चाइना के जो मुसलमान हैं वो किस हालत में है, और अगर आपको आइडिया हो कि यार वाकई चाइना के मुसलमान अच्छी हालत में नहीं है, तो फिर आपको क्या लगता है कि हमें बोलना चाहिए या नहीं? बिल्कुल बोलना चाहिए, मुसलमान एक यूनिटी है, और मुसलमानों को के अलावा एक एज ए ह्यूमन बीइंग भी हमें देखना चाहिए कि वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, और वैसे भी मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है, और जिस्म में जहाँ भी तकलीफ हो वो पूरे जिस्म को होती है, और मुसलमानों को जहाँ पे भी जिस प्लेटफॉर्म पे भी तकलीफ होगी वहाँ पे हम बिल्कुल उनका साथ देंगे, बिल्कुल उनके साथ खड़े होंगे। बिल्कुल कहा यही जाता है कि मुसलमान एक यूनिटी की मानिंद है, एक जिस्म की मानिंद है, जहाँ पर अगर किसी पूरी दुनिया में किसी मुसलमान को दर्द होगी तो पाकिस्तान के मुसलमान को भी दर्द होगी, कहा यह जाता है। लेकिन में ये आता है कि इंडिया में अगर किसी मुसलमान को दर्द होती है तो ही पाकिस्तान को दर्द होती है, लेकिन अगर चाइना में किसी मुसलमान पर जुल्म होता है या दर्द होती है तो फिर यहाँ पर दिखाना भी हम गवारा नहीं समझते। अगर मैं इस हवाले से कुछ गलत कह रहा हूँ तो आप मेरी करेक्शन कर सकते हैं, आप जाकर जो रिपोर्ट आई है ह्यूमन राइट विंग की यूनाइटेड नेशन की तरफ से वो चेक कर सकते हैं, आपको मजीद पता चलेगा कि किस हालत में वहाँ के मुसलमान रह रहे हैं। बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं एक थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि हमारे मीडिया को उस जगह हाईलाइट करना चाहिए जहाँ पे वो एक्चुअल ट्रूथ हो, और उस जगह पे हाईलाइट कम करना चाहिए जहाँ पे वो रियलिटी बेस्ड मीडिया हो जाए तो ये हमारे सारे मामला सॉल्व हो। रियलिटी बेस्ड मीडिया हो जाए तो शायद इंडिया के साथ हमारी नफरतें भी ख़त्म हो जाएं, जो हम कहते हैं इंडिया के मुसलमान बहुत बुरी हालत में हैं। मैं आपको कैसे यकीन दिलवाऊँ या कैसे बताऊँ कि वहाँ पर मुसलमान बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, और इसकी मिसाल भी आप जाकर गूगल से सर्च करिएगा तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर कितने अमीर तरीन मुसलमान हैं।
आजकल हमारी पाकिस्तान मीडिया को फॉलो करती है। बिल्कुल, जो देखें ना, आप इंडिया के ना आप चाइना के, जो आपको यहाँ पर दिखाया जाए, बिल्कुल हमें तो जो टीवी पे शो करवाया जाएगा हम तो उसके ही एंटी चलेंगे ना, उसके अगेंस्ट चलेंगे या उसके साथ चलेंगे हम। अगर हमें दिखाया जा रहा है कि इंडिया पे ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती हो रही है मुसलमानों पे, तो हम इंडिया के ज़्यादा खिलाफ हो जाए। अगर हम चाइना, ये अब हमारे मीडिया को सोचना चाहिए कि वो रियलिटी दिखाए हमें और आम आवाम को रियलिटी दिखाए। और मीडिया अगर रियलिटी दिखाने लगेगी तो शायद हमारी जो ये बुरी हालत है इस टाइम पाकिस्तान की, वो भी शायद चेंज होने लगेगी। बहुत अच्छी बात की इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद वसीम। क्या करते हैं सर? मैं दर्स निज़ामी कर रहा हूँ। क्या ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। आज जिस टॉपिक में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो भी आपसे थोड़ा सा रिलेट करता है। टॉपिक ये है कि अक्सर हम मीडिया पर देखते हैं फ़लस्तीन पर मुसलमानों, फ़लस्तीन के मुसलमान पर जुल्म हो रहा है, इसके अलावा बर्मा के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, मीडिया पर दिखाया जाता है। कभी आपने चाइना के मुस्लिम्स के बारे में कोई मीडिया पर रिपोर्ट देखी है, या आपको क्या लगता है चाइना के मुसलमान किस हालत में रह रहे हैं? हमारे पास जो खबरें आती रहती हैं, चाइना के अंदर भी मुसलमान काफ़ी अजियत के अंदर हैं, वहाँ भी उनके हकूक गस्ब किए जाते हैं जैसा कि बाकी दुनिया के अंदर है। बड़ी बात है कि इन्हें इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन है, नहीं तो पाकिस्तान में अक्सर लोगों को इस चीज़ का आईडिया नहीं, क्योंकि दिखाया ही नहीं जाता। जी आप पहले मुझे ये बताएं, आपको पता कैसे चला? सर मैं, हमारा इस मीडिया के साथ भी अल्लाह का शुक्र है, हम मीडिया को देखते हैं। मेरा अपना भी वॉइस वसीम के नाम से यूट्यूब चैनल भी है, तो इसके ऊपर मैं खुद बात भी करता रहता हूँ कि इस वक्त जो दुनिया के अंदर मुसलमान पिस रहे हैं, मुसलमानों के ऊपर जुल्म और सितम ढाया जा रहा है, हमारे 57 इस्लामी कंट्रीज़ के जो हुक्मरान हैं वो तो बेचारे जैसे भंग पीकर कोई सो रहा हो, ऐसे सोए हुए हैं। सर ये देखें, ये हमारे लिए शर्म की बात नहीं है, हम लोगों को ब्लेम करते हैं, कभी हम कहते हैं नॉन मुस्लिम मुसलमानों के अगेंस्ट हैं, मतलब अपने आप को तसल्ली देने के लिए बात करते हैं। कभी कभी हम कहते हैं यहूदी साजिश, कभी हम कहते हैं हिंदुओं की साजिश, कभी हम कहते हैं काफरों की साजिश, अपने आप को हम क्यों नहीं ठीक करते? और दूसरे नंबर पर चाइना के मुसलमानों के बारे में हम बात क्यों नहीं करते? सर ये आपने गुड क्वेश्चन किया है कि हम असल बात पता क्या है, असल में हकीकत अगर देखी जाए तो हम मुसलमान आपस में एक दूसरे को खा रहे हैं, एक दूसरे से लड़ के ना एक दूसरे के दस्तों गिरेबा हैं। अगर मुसलमान आज एक तंजीम की तरह मुत्तहिद हो जाएं, एक जमात की तरह एक प्लेटफार्म पे जमा हो जाएं, तो दुनिया की कोई ताकत भी, इसराइल को देख लें, यहूदी इस वक्त पूरी दुनिया में 1 करोड़ को टच करते हैं या थोड़े से 1 करोड़ से अबव होंगे, 1 करोड़ 10 लाख हो जाएंगे यहूदी, जबकि मुस्लिम 1 अरब 80 करोड़, 2 अरब को टच करने वाले हैं मुसलमान, लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमान मार खा रहा है। हमारी अपनी गलती है, हम किसी पर डालते हैं या किसी की गलती है? मुझे सर हमारी अपनी गलती है कि हम दूसरों पर डालते हैं। अगर हम खुद को दुरुस्त कर लें तो दुनिया की कोई ताकत मुसलमानों को गिरा नहीं सकती, मुसलमान सकती है, हमें फिर किसी से लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर हम अपने आप को ठीक कर लेंगे, अपनी जो सोच है उसको बेहतर कर लेंगे, तो शायद हमें किसी ये भी ना कहना पड़े कि ये उसकी साजिश है या ये इसकी साजिश है। सर ज़बरदस्त बात की है, जिस दिन मुसलमान फिरका वारियत से निकल कर एक हो जाएंगे, खुद दुरुस्त हो जाएंगे, तो दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, वो इसराइल हो या अमेरिका हो या हिंदुस्तान हो। ठीक है, हिंदुस्तान हो, ठीक, हिंदुस्तान में बड़े मुसलमान रह रहे हैं, आप हमें हमारी मीडिया के थ्रू हमारे ब्रेन वॉश ऐसे कर दिए गए हैं कि शायद इंडिया में बड़ा जुल्म हो रहा है, तो चाइना के बारे में हम क्यों नहीं बात करते? मैंने आगे भी 2 दफ़ा ये क्वेश्चन किया है, आपने मुझे इसका आंसर नहीं किया कि हमारी मीडिया चाइना के बारे में क्यों नहीं बोलती। सर इसलिए कि हमारे जो हुकूमती ताल्लुकात चाइना के साथ ज़्यादा हैं, तो हमारा जितना भी मीडिया होता है तकरीबन वो हुकूमत के नीचे काम करता है, हुकूमत के साथ वो मामला को तय करके आगे बढ़ता है। चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, जिसके ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं है। जब भी बात की है चाइना के ऊपर मुसलमानों के, तो TLP ने की है, तहरीक लबैक पाकिस्तान ने इसके ऊपर हर दफ़ा बात की है कि चाइना के अंदर भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म और ज़्यादती हो रही है, लिहाजा उन मुसलमानों के हकूक की भी बात करें। थोड़े से तल्ख अल्फाज यूज़ करने लगाऊँ कि क्या ये मुनाफ़कत नहीं है मुसलमानों की? अगर हम बात करते हैं मुसलमानों के प्रोटेक्शन की, कि बर्मा में ऐसे हो रहा है, फ़लस्तीन में ऐसे हो रहा है, कश्मीर के बारे में बात करते हैं, वो एक अलहदा मैटर है, वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन हम हमारे मीडिया में ये दिखाया जाता है, और चाइना के बारे में हम बात नहीं करते, तो ये मुनाफ़कत नहीं है? बहुत बड़ी मुनाफ़कत है कि देखो, एक तरफ रसूलुल्लाह का फरमान मुसलमान ही पढ़ के सुनाते हैं एक दूसरे को कि मुसलमान एक जिस्म की मानिंद हैं, वो चाइना का मुसलमान हो, वो शाम का मुसलमान हो, या वो बरतानिया में बसने वाला मुसलमान हो, या है हम पाकिस्तानी मुसलमान हो, तो ये मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है। जब एक बाजू को तकलीफ होती है तो क्या आप दूसरे बाजू को एहसास नहीं होता? आपके पूरे जिस्म को तकलीफ होती है, पूरे जिस्म को एहसास होता है, तो इसलिए आज ये मुनाफ़कत ही है कि हमारे चाइना के मुसलमान इस वक्त पिसपा हैं, उनके ऊपर जुल्म और सितम हो रहा है, जबकि हम बात नहीं। अच्छा लगा आपसे बात करके, और चाइना के मुसलमानों के बारे में भी हमारा फ़र्ज है कि हम बात करें, अगर वहाँ पर गलत हो रहा है तो हमारा बात करना बनता है, और अगर नहीं हो रहा तो फिर हमें चाहिए कि हम उसको अप्रिशिएट करें। मतलब चाइना इनका बाप,
इनका बड़ा बाप अगर कुछ भी मुसलमानों के साथ करेगा तो सही है, क्योंकि चाइना के साथ इनके दोस्ती वाले संबंध है। चाइना से अगर दुश्मनी लेंगे तो भाई इनकी वाट लगा देगा चाइना। लेकिन जहां भारत के मुसलमानों पर कुछ हो जाए भैया तो वो जुल्म हो रहे हैं। और भाई क्यों, क्या हर जगह मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं? क्यों होते हैं भाई जुल्म मुसलमानों के ऊपर? अरे सऊदी के तो जुल्म मुसलमान है भाई, वो तो कुछ नहीं बोलते हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमान ही बोलते हैं कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। ये किसी पाकिस्तान में कोई ऐसा टीवी चैनल है जिसके ऊपर ही दिखाया जाता है कि सिर्फ मुसलमानों पर जुल्म होता हो? कहीं वो टीवी चैनल नहीं चलता है यार। कमेंट में बता दो मुझे जिसको बातें पता ना भाई, प्लीज़ कमेंट में बता दो, क्योंकि हम थक चुके हैं भाई। मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। अरे मुसलमान यहाँ क्रिकेट की टीम में खेल रहा है भाई, मुसलमान यहाँ पर MLA MP बन रहे हैं भैया, राष्ट्रपति मुसलमान बन रहे हैं, जुल्म कैसे हो रहा भैया उन पर? अरे बता दो भैया, हमें बता दो जुल्म करने वालों, इन पर जुल्म हो गया। दोस्तों आप इसके बारे में क्या राय रखते हो भैया जी, कमेंट करें हमें बताएं आपकी राय। और भाई नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, हाँ जी नीचे जहाँ आपने देखा वहीं पे सब्सक्राइब करने का मन नहीं कर रहा आपका, लेकिन भाई प्लीज़ यार कर दो यार, 1 लाख होने वाले, जल्दी से 1 लाख हो जाएगा तो आपके लिए कुछ स्पेशल सा हम कुछ लेकर के आएंगे, ठीक है? अरे बाबर बूबर सबको नचा देंगे भाई, यहीं पर नचा देंगे पूरी क्रिकेट टीम को, ठीक है? तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो भाई कमेंट करके जरूर बता देना, कुछ गलती हो गई तो भाई छोटे भाई को माफ़ कर देना। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।